नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस बहुत ही कमाल की शाम में। इस शो का नाम है देव मैजिक, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं स्वरदा कम्युनिकेशंस इन एसोसिएशन विद ग्लिटराटी म्यूजिक एकेडमी। मेरा नाम गौरव है, मैं अमूमन आपसे मिलता हूँ हर रात 9 बजे, कल भी आज भी, पर ऑन FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1। 9 बजने में 5 मिनट है, थोड़ा जल्दी आया हूँ आज। और मैं शुरुआत में ही ज़रा ग्राउंड रूल्स क्लियर कर देता हूँ कि एक अच्छा रेडियो जॉकी जो काम करता है, मैं भी वही करने वाला हूँ। बातें कम और गाने, कितने लोग इस बात में यकीन करते हैं गाने ज़्यादा होने चाहिए? वाह, यही इज्जत कमाई है मैंने बस। हाँ, मैं फिर भी कुछ ना कुछ बड़े कमाल के किस्से जो हैं देव साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए, देव साहब के साथ जिन कलाकारों ने काम किया है, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। और चूंकि मैंने आपसे वादा कर दिया है कि बातें कम और गाने ज़्यादा, तो एक बहुत ही कमाल की फिल्म है और देव साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, उसी फिल्म से एक गाना आपकी तरफ आ रहा है। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा एक बहुत ही कमाल की बड़ी ज़बरदस्त बुलंद आवाज़, जिनके हम सभी फैंस हैं, आज से नहीं काफ़ी सालों से, और कल भी आज भी ये आवाज़ हमारा हमेशा साथ निभाती है, हमारा मनोरंजन करती है। तो देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए वन एंड ओनली शैलजा सुब्रमण्यम जी। शैलजा जी आई है मंच पर।
किस फिल्म से है ये गाना, किसने कंपोज किया? अरे वाह, किस पे पिक्चराइज किया गया? देखो आप लोग टेस्ट में पास हो गए, मैं यही चेक कर रहा था कितने लोग पढ़ लिख कर आए हैं। हाँ, आई एम रियली हैप्पी। तो हुआ क्या कि देव साहब जो हैं, जब फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुए तो शुरुआत में तो एकदम से फिल्मों में नहीं आ गए थे। इन्होंने सोचा ज़रा रंगमंच पे काम किया जाए, थिएटर में काम किया जाए, और ये गए भी नाटक में काम करने के लिए। तो एक बहुत बड़े एक्टर ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, गया तुमसे एक लाइन नहीं बोली जाती, तुम कभी ज़िंदगी में एक्टर नहीं बनोगे। तब देवानंद साहब वापस आए अपने घर और इन्हें डायरी लिखने की आदत थी, हाँ, डियर डायरी, और उसमें लाल इंक से लिखा कि आज मुझे कहा गया है कि मैं कभी एक्टर नहीं बन सकता हूँ, और मैं साबित करूँगा कि मैं सबसे कमाल का एक्टर रहूँगा। और वो हुआ भी, लेकिन सवाल यह कि वो कौन था जिसने रिजेक्ट किया? अच्छा, कौन कौन बोल रहा है? बलराज सानी सर, कभी भी मौका लगे आपको कौन बनेगा करोड़पति में जाने का, फोन आ फ्रेंड के लिए इनका नंबर दीजिएगा, जोरदार तालियां इनके लिए। ही इज एब्सोल्युटली राइट, बलराज सानी साहब ने ये बात कही थी। और फिर जाहिर सी बात, उसके बाद आगे जाके काम वाम भी किया, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया। तो इस तरह की कुछ एक बड़े कमाल के किस्से आपकी तरफ आएंगे। और अभी एक बहुत ही कमाल के गायक जो हैं, वो खास तौर पे गोवा से यहाँ तशरीफ लाए हैं, और हमें बेहद खुशी होती है जब भी ये आते हैं, और बहुत ही बुलंद आवाज़ इनकी, और बड़ा एकदम मन मोह लेते हैं एकदम जैसे ही मंच पर उपस्थित होते हैं। तो देवियों सज्जनों, बिना किसी विलंब के इन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं जोरदार तालियों के साथ, सुधाकर शानबाग जी। सुधाकर जी आइए। रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई सांसों की सरगम, धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी ऐसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। Thank you.
हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ कई कई बार हो कई कई बार। वाह 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 सुधाकर साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। देखिए जब हम हिंदी फिल्मों की तरफ रुख करते हैं और हाँ लोकेशन देनी चाहिए ना आपको, तो जब हम हिंदी फिल्मों की तरफ रुख करते हैं तो एक चीज़ तो जाहिर सी जो हमारे सामने आती है कि जो हमारा हीरो था वो बहुत टैलेंटेड था। हाँ उसकी माँ ने कपड़े सीकर उसे पाल पोस के बड़ा किया था, वो बीए में अव्वल आता था, और उसे कुछ और आता हो या ना आता हो उसे ना वो गाड़ी ठीक करना जरूर आता था। हीरोइन की गाड़ी खराब होगी और सबसे पहले हीरो जाके ठीक करेगा, मेन साहब मैं कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पियानो बजाना जरूर जानता था। और महफिल में सेठ जी जरूर बोलते थे विजय बाबू आप यहाँ पर हैं तो एक गाना सुना दीजिए, और तो विजय बाबू कहते थे कि नहीं नहीं आज मेरा मूड नहीं है, और तब एक हसीना माँ खड़ी होती थी और कहती थी सुना दीजिए ना, और फिर वो कहता था कि इन शोक निगाहों को कैसे मैं मना कर सकता हूँ, इनकार कर सकता हूँ, और फिर वो पियानो पे बैठ जाता था। कुछ ऐसा ही इस गाने में भी आपके साथ होने वाला है। एक बड़े धुरंधर गायक जो है वो मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा मैं उन्हें, रियलिटी शोज हो, म्यूज़िक प्रोडक्शन हो, कंपोज करना हो, जहाँ चाहें देश में विदेश में हर जगह जाकर इन्होंने अपनी आवाज़ का जलवा बिखेरा है, सबका दिल जीता है। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी हैव, सप्तक बैनर्जी। प्लीज़ सर आइए, सप्तक साहब। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का चेहरा, कुछ जाहिर कुछ निहार। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। Thank you.
साथ ही हमारे कोरस के साथियों के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत ही मेहनती मेहनतकश हमारे कोरस सिंगर्स। और सत्तू साहब, मुझे ज़रा 10 सेकंड और दीजिए, क्योंकि जिन लोगों की वजह से आज की ये शाम मुमकिन हो पाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे स्पॉन्सर्स इंडियन ऑयल, को स्पॉन्सर्स न्यू इंडिया अश्योरेंस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, नोवा नोवा, SMC कैपिटल्स। बहुत बहुत शुक्रिया सारे स्पॉन्सर्स का, इंडियन ऑयल का। जोरदार तालियां हमारे स्पॉन्सर्स के लिए। और अब एक ऐसा गाना आपकी तरफ आ रहा है, मुझे मौका मिला कि मैं आशा जी से मिलूं, आशा जी को इंटरव्यू करूं, आशा भोसले जी को। तो उन्होंने बताया, गौरव, ये जो गाना ना जब रिकॉर्ड किया हमने, रिकॉर्डिंग हो गई, पर दादा बर्मन ने कहा कि आशा जैसा हम चाहता था वैसा नहीं गाया आज। तो आशा जी ने कहा, दादा गाया तो नहीं, नहीं वैसा नहीं गाया, अच्छा नहीं गाया, इसको दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, देखते हैं दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। ये गाना दोबारा रिकॉर्ड हुआ नहीं, ओरिजिनल में ही रहा हमेशा, जो पहली रिकॉर्डिंग थी। और ये गाना कौन सा है तो आप जानते ही हैं, ठीक है, मैं कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी पूछूंगा। हाँ हाँ, शैलजा जी प्लीज आप आइए स्टेज पर। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा, छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा। जरा सुनना,
जाने तमन्ना जरा सुनना जाने तमन्ना इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा आ छोड़ दो आजा जमाना क्या कहेगा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा आ छोड़ दो आजा जमाना क्या कहेगा बेगाना क्या कहेगा आ छोड़ दो आजा जमाना क्या कहेगा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना दीवाना क्या कहेगा आ छोड़ दो आजा जमाना क्या कहेगा से कहते हैं जमाना कैसे बदलता है पहले छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा और आजकल की फिल्मों में आंचल तो है ही नहीं और जमाना वाह वाह कर रहा है वाह वाह दिन बदल जाते हैं तो एक सीन इस तरह का था कि एक तरफ बैठे में देव साहब एक तरफ बैठे में उनके छोटे भाई विजय आनंद वो हेल्प करते रहना मेरी हाँ गोल्डी बिल्कुल निक नेम भी बताना बस टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ नहीं बताना तो एक तरफ गोल्डी जी बैठे हुए हैं एक तरफ देव साहब बैठे हुए हैं और एक बहुत बड़े गीतकार उनके बीच में और गाना लिख रहे हैं गाना तैयार किया जा रहा है और गाना लिख रहे हैं और गोल्डी जी कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा है मतलब आप सोचिए थोड़ा सा सोचिए इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और कुछ लिखा जा सकता है और गहरी बात लिखी जा सकती है तो इस लिरिक राइटर ने इन दोनों भाइयों को देखा और बोला क्या लिखूँ इस कैरेक्टर के लिए ऐसा कैरेक्टर है जो शादीशुदा औरत से अफेयर करता है क्या लिखूँ इसके लिए तो इन दोनों को लगा देव साहब को भी और गोल्डी जी को भी कि ये शायद ना उस कैरेक्टर के साथ सिंपथाइज नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में लिख नहीं पा रहे हैं तो उनको चेंज कर दिया गया हटा दिया गया उन लिरिक राइटर को लिरिक राइटर कौन रहे नहीं सर आप अलाउड है आपने बलराज सानी करेक्ट आंसर दिया था हर बार मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं कौन बोला हजरत जयपुरी कौन बोला वाह इसे कहते हैं छुपा रुस्तम हजरत जयपुरी यस यू आर राइट तो हसरत साहब को हटा दिया गया उस फिल्म से और फिर शैलेंद्र साहब आए और शैलेंद्र साहब ने पहली लाइन जो है वही रखी जो हसरत साहब ने लिखी थी और पैसे डबल लिए थे कि पहले मुझे क्यों नहीं बुलाया अब बुला रहे हो तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा और फिर वो गाना बनाया बहुत ही कमाल का ये गाना है आई थिंक इससे बड़ा ब्रेकअप सॉन्ग सामने आता नहीं है और मैं चाहूँगा कि इसे आपके सामने अपनी मधुर आवाज़ में प्रस्तुत करें बहुत ही कमाल की शख्सियत एक बहुत ही कमाल की आवाज़ के मालिक हमारे धवल चांदवरकर जी धवल जी के लिए ज़ोरदार तालियाँ Over to you, sir. दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो ना याद सताए दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो ना आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए प्यार में जिनके सब जग
छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को था, अपने कभी रात न जाए, तो ना आए तेरी याद सताए, दिल ढल जाए। दिल के मेरे पास हो कितनी, फिर भी हो कितनी दूर तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों है मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू ना आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। बहुत धवल साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हाँ, ये देखिए, ये भी कमाल है, बड़े इतने बड़े सुपरस्टार देव साहब, उनकी ज़िंदगी में भी कमाल की चीज़ें ही रहीं। ये तो सभी जानते हैं कि उनका राब्ता बना सुरैया जी के साथ, एक अफेयर चर्चा में भी रहा, पर ये किस्सा ज़रा कम सामने आता है कि वो आखिरी मुलाकात जो रही वो किस तरह की रही। फ़ोन वोन मिलाए गए और फ़ोन पर जाहिर सी बात है उनकी ग्रैंड मदर उठाती तो देव साहब बात नहीं कर पाते थे। एक दिन ऐसा बताया जाता है कि सुरैया जी की मदर ने फ़ोन उठाया और कहा कि ठीक है, इस दिन रात को 10 बजे के करीब आके तुम मिल सकते हो सुरैया से, छत पे मिल सकते हो हमारी बिल्डिंग की। तो देव साहब ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। और इन्हें लगा कि कहीं ट्रैप तो नहीं किया जा रहा है, कहीं फंसा तो नहीं लेंगे, कुछ हो ना जाए। तो इनके एक दोस्त थे सरदार जी, वो पुलिस में थे, उन्होंने कहा देव चिंता मत कर, एक टॉर्च तू अपने पास रख, एक टॉर्च मैं अपने पास रखूँगा, मैं सामने वाली छत पर रहूँगा, मेरे पास पिस्तौल भी है, कुछ भी होगा ना मैं, हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, आई विल कम टू सेव यू। देव साहब ने कहा ठीक है। देव साहब वहाँ पहुँचे, पिस्तौल की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सुरैया जी आई, ये दोनों मिले, गले लग के फूट फूट के रोए, वो आखिरी मुलाकात थी। सुरैया जी ताउम्र कुमारी रही, उन्होंने शादी नहीं की देव साहब ने आगे जाके, जाहिर सी बात है फिर बहुत बड़े स्टार बने उसके बाद। और ये बात उनसे हर बार पूछी गई और हर बार उसी इंटेंसिटी के साथ देव साहब ने बयां की है। और एक बड़ा ही कमाल का बहुत ही इंटेंस गाना है, वो मैं चाहता हूँ आपकी तरफ आए। और सुधाकर साहब, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि ये गाना आप हमारे सामने रखें। किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया
कभी की तुझे भी मुझे भी फिर क्यों आँख भर आई। हो किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई। कोई भी साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा न बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला। हो झूठा भी नाता नहीं चाहों में, हाय तू ही क्यों डूबा रहे बाहों में। कोई किसी संग मरे ऐसा नहीं होने वाला, कोई नहीं जो यूं ही जहां में बांटे पीर पराई। हो किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई। क्या बीती हुई रातों से मुझे, क्या खोई हुई बातों से, सेज नहीं चिता सही जो भी मिले सोना होगा। हो गई जो दूरी छूटी हाथों से, हाय लेना क्या छूटे हुए सातों से। खुशी जहाँ मांगी तूने वहीं मुझे रोना होगा। ना कोई तेरा ना कोई मेरा फिर किसकी याद आई। हो किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई। मिलों बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी भी तुझे भी मुझे भी फिर क्यों आँख भर आई। हो सुधाकर साहब यू आर अमेजिंग, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट आई रिमेंबर स्वरदा का ही शो था मैजिकल पंचम, जहाँ जावेद अख्तर साहब आए थे और उन्होंने सुधाकर साहब की आवाज़ की बड़ी तारीफ की थी। और हाल ही में मैंने ये यूट्यूब पे देखा, स्वरदा का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर, मतलब मैं था उस शो में, लेकिन कभी कभी होता ना अपने खुद के शोज़ हम दोबारा देखना चाहते हैं क्या अच्छा रहा और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आपको मौका मिले तो स्वरदा कम्युनिकेशंस का, स्वरदा का जो यूट्यूब चैनल है वो भी देखें, वहाँ बड़े कमाल के शोज़ जो हैं अच्छी तरह प्रॉपरली एडिटेड जो हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और अभी एक बड़ा ज़बरदस्त गाना है, इसमें भी देखने की बात है पर देखने का अंदाज कैसा है वो सब तक जी हमें बताएंगे। आइए सर।
ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। तेरे दिल से है दिल पर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। दिल से ऐ दिल पर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम ले तुम मेरी बाहें, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं छुड़ा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं छुड़ा लूंगा तुमसे, छुपा लूंगा। हे 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 हे, धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने ना तरसाया है। धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है, दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के कांटे सारे दूर कर लेंगे। प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे, रास्ते के कांटे कर लेंगे। जाने मन तुमको अपनी मैं जान बना लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे, दिल में छुपा लूंगा। हे 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 हे, कौन सी फिल्म से गाना? यू आर राइट माई डार्लिंग, एब्सोल्युटली राइट, यस यस, है ना। पहली बार लाइफ में किसी ने दो बार मुझे डार्लिंग डार्लिंग बोला है, तो मैं तो एक बार बोल सकता हूँ। हाँ अच्छा, सीन कुछ, अरे एक मिनट पहले भाई, नागेश जी के लिए जोरदार तालियां, क्या कमाल इंट्रो आया। और साथ ही हमारे ड्रम्स में जो बैठे हैं बाबरी जी, इनका वार दिवस है आज, हैप्पी बर्थडे सर, जोरदार तालियां। इनको दो पैक ज्यादा। ऑल राइट, सो सीन चल रहा है कि अपने देव साहब बैठे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, और देव साहब बाल बना रहे हैं, बाल बनाते हैं, खाना वाना खाते हैं उसके बाद वहाँ पे, और फिर कहानी नरेट करते हैं शोभना समर जी को और तनुजा जी को, और फिर कहते हैं तनु सही सही बता, ये कहानी एकदम तेरे लिए है या नहीं है, एकदम फिट होता है ना। तो तनुजा जी ने कहा मैं नहीं करूँगी इस पिक्चर में काम, मैं नहीं करूँगी। कहते क्या बात कर रही है, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, मैं नहीं करूँगी, मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ हीरोइन का रोल करूँगी।
तो यार हीरोइन के रोल के लिए सूट नहीं करते हो तुम, कैसे कर सकती हो? कहते नहीं देव साहब, मैं तो नहीं करूंगी ये रोल। फिल्म कौन सी हो सकती है आप समझ ही गए होंगे। भाई साहब जूल दीप में तो तनुजा जी ने काम किया था। इस फिल्म के लिए जाहिदा जी को भी अप्रोच किया गया था कि आप भी इस गैम्बलर में तो जाहिदा जी थी ना शायद। ओके, कोई भी हीरोइन देवानंद की बहन का रोल नहीं करने को तैयार थी इस पिक्चर में। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, पांचवी बार में मेरा सवाल समझ में आ जाता है। राइट, हरे राम हरे कृष्णा। तनुजा जी को ऑफर किया गया, तनुजा जी ने मना कर दिया, जाहिदा जी ने मना कर दिया, और फिर उनका तो नाम बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से आपने नाम लिया ना, ऐसा लग रहा नाम ले रहे हो आह वर्रे जीना तमाम। आइए सुधाकर जी एंड शैलजा जी प्लीज। और जिन पे ये फिल्माया गया है गाना, वो हीरोइन कौन है? मुमताज। मुमताज, राइट राइट राइट। हीरोइंस के बारे में काफी जानकारी रखते हैं ये लोग। झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हो झूठा है ये गुस्सा तेरा, सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, ये तेरी गाजमेर साहब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कांचा रे कांचा उनका एक फोक गाना था जिसपे बेस्ड ये गाना निकल कर आया। और जी राइट,
हाँ सोचिए, जो होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट, जो फोक इंस्ट्रूमेंट है वो होना चाहिए, वो नहीं है इस गाने में. ग्रेटनेस ना. आर डी बर्मन साहब क्या कर रहे थे उस टाइम पे. जोरदार तालियां अनुपम खड़क जी के लिए. हम फाइनली दैट ग्रेट मोमेंट हैज अराइव्ड. ऑलराइट, सो एक ग्रेट किस्सा भी सुना देता हूँ आपको. हुआ क्या कि आई थिंक मरीन लाइंस पे थे शायद देवानंद साहब. उस जमाने में बहुत सारे लोग लोकल में ट्रैवल करते थे, बड़े बड़े स्टार्स भी. इस वक्त तक देवानंद स्टार नहीं बने थे और लोकल ट्रेन में थे, अच्छी अंग्रेजी बोलते थे और एक लड़की बैठी हुई थी उसमें. तो देव साहब आउटगोइंग भी थे, उस लड़की से बात करनी शुरू करी, लड़की ने भी बात करनी शुरू की. देवानंद साहब को अगले स्टेशन पर उतरना था, लेकिन क्या होता है जब लड़की से बात करते ना, हम दो तीन स्टेशन स्किप कर सकते हैं. सो देव साहब जो है कहते चलो मैं भी चर्च गेट तक चलता हूँ, है ना. तो चर्च गेट तक पहुँच गया और फिर लड़की से कहा कि हम हमारी तो ट्यूनिंग हो गई, हम तो बहुत अच्छे हैं. लड़की ने कहा हाँ हाँ, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए. देव साहब ने कहा हाँ मैं बिल्कुल घर तक छोड़ूंगा. अब देव साहब को मन में लड्डू फूट रहे हैं यार, हाँ घर तक जाना है. तो फिर पहुँचते हैं, रस्ते में जाते हैं, वो लड़की कहती देखो सामने है, सामने वो मेरी बिल्डिंग है. देव साहब कहते अरे वाह बहुत अच्छी जगह रहती हैं आप. कहते हाँ. तो देव साहब कहते लेकिन वो नीचे वो एक लड़का खड़ा हुआ है ऐसा पहलवान बॉडी बिल्डर, वो कौन है. कहते वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं मिलवाती हूँ अभी आपको उससे. तो देव साहब ने कहा नहीं नहीं ठीक है हमारा साथ यहीं तक, हम फिर कभी मिलेंगे. क्योंकि देवानंद साहब खुद कहते थे मैं कभी पहलवान रहा ही नहीं हूँ. आई डोंट रिमेंबर देवानंद साहब कभी टी शर्ट में आए हो, बनियान में आए हो, है ना. हमेशा फुल स्लीव्स में आते थे, कॉलर वॉलर बंद, है ना. वो दिमाग की ताकत थी, है ना. तो ये देव साहब की जिंदगी से जुड़ा किस्सा सामने आया. सब तक साहब आपका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार शैलजा जी कर रही हैं. प्लीज़ आइए, ये डुएट जो है हमारे सामने आना चाहिए. किसी को इस जगह से नहीं आना है, किसी को इस जगह से नहीं जाना है. तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है. जाने मिले या न मिले फिर ऐसी तन्हाई, दिल की लगी लेने लगी सीने में अंगड़ाई. किसी को इस जगह से नहीं आना है, किसी को इस जगह पे नहीं जाना है. ओ तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है. बहुत दूर
तेरी बाहों में मुझे आज मर जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब सब तक जी, फैंटास्टिक। शैलजा जी आप बिल्कुल दूर मत जाइए, आप यहीं पे रहिए, हम नहीं जाने देंगे आपको, प्लीज़ यहाँ पे रुकिए। मुझे मौका मिला देवानंद साहब से मिलने का, बहुत लंबी बातचीत हुई और देव साहब का अंदाज़ भी ऐसा था कि इंटरव्यू तो होता रहेगा गौरव, कभी वैसे ही चाय के लिए भी मिलो, कभी आ जाओ चाय के लिए मिलो, फोन इस तरह की बात करते थे। और बहुत सारे जर्नलिस्ट और ब्लॉगर्स को भी मौके मिले देव साहब से मिलने के, पर मुझे जब मौका मिला तो मैंने उनसे कहा देव साहब मुझे इतना बताइए अमृतसर में क्या हुआ था, अमृतसर गोल्डन टेंपल के सामने। तो कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं, यू नो दिस? मैं कहा सबको आई नो दिस। कहते हुआ ये कि देवानंद साहब जब उन्होंने अपने अंदाज में बताया कि मैं गया, मेरे को अपनी मदर के लिए दवाइयाँ लेनी थी, मैं अमृतसर पहुँचा गोल्डन टेंपल के ठीक सामने हाट बाज़ार, और बहुत गर्मी थी, मुझे प्यास लग रही थी, एक शरबत वाला था, शरबत की दुकान थी, मैं वहाँ गया, मैंने शरबत ऑर्डर किया, ग्लास लिया और पीना शुरू किया। जब मैंने पीना शुरू किया तो जो शरबत बेच रहे थे सरदार जी, वो सामने उन्होंने देखा देव साहब को और कहा ओ भाओ वो तेरे माथे ते सूरज आएगा। तो देव साहब ने कहा जी पाजी मैं समझा नहीं, माथे ते सूरज मतलब माथे पे सूरज का क्या मतलब हुआ? कहते एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और देवानंद साहब ने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं ही मिला हूँ सुबह से मजाक करने के लिए। कहते नहीं नहीं तेरे माथे ते सूरज है, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। देव साहब ने अपनी बायोग्राफी में भी यही बात मेंशन की है। मैंने उनसे पूछा था आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे दोबारा? कहते नहीं हो पाई गौरव, जिंदगी की स्पीड इतनी तेज़ है मैं दोबारा लौट के नहीं जा सका, लेकिन अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर अमृतसर जाऊंगा। अगर वो सरदार जी वहाँ पे रहे, उनकी दुकान अब भी वहीं पे रही, तो मैं कहूंगा कि आप आए मेरे घर और मेरे मेहमान बन के रहे। ये प्रेडिक्शन की थी उन्होंने शरबत पिलाते पिलाते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अनोखी चीज़ें हैं, बड़ी करिश्माई चीज़ें हैं। धवल साहब आप आइए। और जब भी धवल जी, शैलजा जी और मैं एक साथ स्टेज पर होते हैं तो एक ही चीज़ होती है, ये दोनों गाते हैं और मैं जाता हूं। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, छोटी सी कसूर पे से वो खफा। रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो अरे छोड़ो हाथ छोड़ो। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन की रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले अच्छे हम अकेले, चार कदम भी चल न सकोगे समझे। देखी सबकी यारी मेरी।
की सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। धवल जी, जी जी जी, हारने में तो मजा आता है, प्यार में सही कह रहे हो। हाँ धवल जी, वंस मोर की बात आ रही है, आप वन मोर ले लो, है ना। आप रुकिए यहाँ पर, एक गाना और। हाँ मेरे कहने पे, हाँ आपके कहने पे भी, देखो आपके मन की बात जानता हूँ मैं। हाँ सो ओवर टू धवल जी अगेन। हाँ ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए, ऐसे तो न देखो खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो साहब की बात करता हूँ, गोल्डी साहब की बात भी आती है जुबान पर, उनके बड़े सबसे बड़े भाई साहब चेतन आनंद साहब की बात भी आती है। और चेतन आनंद साहब ने एक बड़ी कमाल की फिल्म बनाई थी, नीचा नगर, ठीक है। और उसमें क्या था कि जो जो बड़े रुबाब वाले लोग हैं वो ऊपर से ऐसे देखते हैं तो कैमरा इस तरह से था, और नीचे लोग हैं उसको ऐसे देखते हैं तो कैमरा इस तरह से रखा था। इस तरह की फिल्म मेकिंग कभी हुई नहीं थी इंडिया में तब तक, और विदेश में जो है बड़ा नाम हुआ इस फिल्म का। और चेतन भाई साहब के बेटे केतन के नाम पर ही देव साहब ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी रखा था, नव केतन। तो बहुत क्लोज थे ये लोग उस वक्त, और रहे, हमेशा ही रहे वैसे तो। और नीचा नगर फिल्म जब बाहर दिखाई गई, अवार्ड वगैरह जीत गई, जब इंडिया में रिलीज़ की, लोगों ने थिएटर के अंदर वो कुर्सियों के फाड़ फाड़ दी अच्छी तरह से, कहते क्या फिल्म बनाई है ये, किसी को समझ में नहीं आई। और चेतन आनंद साहब का दिल बहुत दुखा, कहते यार हमने फिल्म बनाई और यहाँ की ऑडियंस को पसंद नहीं आई, समझ नहीं आई। लेकिन एक चिट्ठी आई इनके पास, एक चिट्ठी, एक लड़के ने इन्हें चिट्ठी लिखी और चेतन साहब को लिखा कि चेतन आनंद साहब, मैंने आपकी फिल्म नीचा नगर देखी, मैं खुद एक फिल्म मेकर बनना चाहता हूं, मैं बहुत मुतासर हुआ हूं आपकी फिल्म मेकिंग से, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे अपना असिस्टेंट रख लें या मैं आपके यहाँ इंटर्नशिप कर सकूं, फिल्म मेकिंग थोड़ी सीख सकूं। वो चिट्ठी चेतन साहब ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, लेकिन वो लड़का बहुत बड़ा फिल्म मेकर बना, क्योंकि उसे समझ थी कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फिल्में बना रहे हैं और बन सकती हैं। और वो लड़का कौन, चलो एक और मौका। बंगाली में बड़ी कमाल की फिल्में बनाई इन्होंने, हिंदी में मुंशी प्रेमचंद की कहानी हुई फिल्म बनाई है इन्होंने, अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया इन्हें, मतलब
सत्यजीत रे, यस सत्यजीत रे, वेरी गुड यार, फाइनली पहचाना आपने, यस yes. मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूँ सर, आपने पहचाना। सो सत्यजीत रे के पास तब भी ये समझते कि चेतन भाई ने, चेतन साहब ने क्या कमाल की फिल्म बनाई है। सो ये किससे भी जो है कहीं जरा छिपे से रहते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस लगेगा लेकिन हम पकड़ लेंगे इसको, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, आइए सुधाकर साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप ही डॉन हो और मैं 11 मुल्कों की पुलिस। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। जब से जमाने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से जमाने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। अरे मिलना लिखा है तो आए, दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हो। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। शैलजा जी आप आए मंच पर, और मैं आपको बताता हूं कि ये बचपन का खेल था। एस डी बर्मन साहब जब गाना समझा रहे थे आशा जी को, तो कह रहे हैं कि आशा मैं जैसे समझा रहा हूं समझ, तो दादा कैसे समझूं, कहते देख बेटा बचपन में करते थे ना कभी कभी कि किसी को बुलाते थे, इधर इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, कान लेकर आ। जैसे ही वो कान लेकर आता तो हम जोर से चिल्लाते थे, हाँ कहते बस इस गाने में यही करना है। कौन सा गाना है सर, मुझे तो आप ज्यादा अकेले लग रहे हो इस वक्त। ओवर टू शैलजा जी, देखते हैं वो गाना है या नहीं। रात अकेली है, बुझ गई दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे
आज मेरे लिए रुक जाओ, रुक भी है पुर सच भी है, तुम्हें ना हो ना सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आज मेरे लिए रुक जाओ, रुक भी है पुर सच भी है, तुम्हें ना हो ना सही, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत की इजाजत है, तो चुप क्यों रही? भाई साहब सिटी कौन बजा रहा है यार? नहीं मुझे अच्छा लग रहा है उधर सिटी, इधर रेडियो सिटी, हिसाब किताब बराबर चल रहा है, बढ़िया है, मजा है, होना चाहिए ऐसा। अभी कुछ और बेहतरीन नगमात आपकी तरफ आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा नाडेडवाला फिल्म से मुश्ताक नाडेडवाला साहब, प्लीज़ आप आएँ। CEO MSL श्री प्रदीप मिश्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ। और जगत किलावाला साहब, आपसे भी मैं अनुरोध करूँगा प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ। प्लीज आप आए। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो मंच पर उपस्थित हों। कैन वी प्लीज हैव ऑन स्टेज श्री के एस राव साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन ऑयल। राव साहब, कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज सर। और मैं मुश्ताक जी और प्रदीप जी से अनुरोध करूंगा कि राव साहब को फेलिसिटेट करें। इंटरवल हुआ नहीं है अभी, हाँ वैसे बता रहा हूँ मैं, आपके टैलेंट को देखते हुए ब्रेक दूंगा, मैं ही दूंगा, रुको सर।
मसाक जी, मिस्टर साहब जी सर। फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगा कि ये सारे गाने यूट्यूब में हैं, ये सारे गाने एफएम में ये सुनाता रहता है, लेकिन इस स्टेज पे ये गाने जो क्रिएट होते हैं दोबारा, दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स अस हियर। थैंक यू सो मच सर। मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगा SMC वेल से पूजा राउत जी को। पूजा जी, प्लीज़ आप मंच पर आएँ। पूजा जी, कैन यू प्लीज़ हैव यू ऑन स्टेज मैम। पूजा जी हैं, आइए मैम, आइए। नहीं है? पैसे तो मिल गए ना। ऑल राइट, कैन यू प्लीज हैव ऑन स्टेज मिस्टर सौरभ दानी, इंडियन ऑयल। सौरभ दानी साहब, कैन यू प्लीज हैव ऑन स्टेज। आइए सर, नॉट फ्रॉम इंडियन ऑयल, सॉरी सर, इंडस्ट्रियल। हाँ सर, वो क्या है ना, वो मैं तो करता ही रहता हूँ, और उससे भी बड़ी बात है कि सुधारता भी रहता हूँ। आइए सर, दानी साहब। और सुपर हिट वेब सीरीज के डायरेक्टर असुर, जो ये वेब सीरीज रही, अनिरुद्ध सेन साहब। अनिरुद्ध साहब, कैन यू प्लीज आप ऑन स्टेज सर। अनिरुद्ध जी, प्लीज आप आइए। और जब भी बड़े डायरेक्टर्स आते हैं तो मैं खुद ही प्रोफाइल में खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, है ना, ऑडिशन देने की थोड़ी सी आदत होनी चाहिए ना। दादा, मैं आ रहा हूँ ऑडिशन देने आपके पास। हाँ, आपने इतनी कमाल की वेब सीरीज बनाई है असुर, और देव मैजिक शो में आप आए हैं। आइए सर। और साथ ही मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा रामोदर सराफ साहब एंड शारदा सराफ जी, सराफ डायग्नोस्टिक से यहाँ पर। कैन यू प्लीज़ हैव ऑन स्टेज डॉक्टर सुनील सराफ से। मैं अनुरोध करूँगा, उनकी मैसेज से अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ मम्मी पापा यानी कि जो फाउंडर्स हैं सराफ डायग्नोस्टिक्स के, उनको आप स्टेज पर लेकर आएँ। थैंक यू सर, थैंक यू आप लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं जगत किला वाला साहब से अनुरोध करूँगा कि रामोदर सराफ साहब और शारदा सराफ जी को आप फेलिसिटेट करें। कैन यू प्लीज़ हैव। जी शैलेश जी, हाँ, और मुझे ऐसा बताया गया है कि इस बॉक्स में जो है चॉकलेट्स हैं, है ना, और कुछ लोगों का ये मानना है कि देव साहब चॉकलेट हीरो रहे थे इसलिए हम चॉकलेट्स दे रहे हैं। अगर धर्मेंद्र साहब का शो होता तो हम बनियान देते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल दी विशिष्ट जितने भी अतिथिगण यहाँ पर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुशाक साहब, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुछ हमारे विशिष्ट अतिथिगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं। विजय देसाई साहब का, सुरेश अय्यर इंडियन ऑयल से, मुशाक नाडर वाले साहब तो यहाँ पर आए मंच पर, सुयोग यादव साहब, मौतिक तौलिया जी, स्वप्निल महाजन जी, सुहास सामंत जी, भारत दबे जी, रोशन थापा जी, प्रदीप मिश्री जी, अश्विन कुलकर्णी जी एंड योगेश सुपेकर जी। जोरदार तालियां इन सभी के लिए, इनके योगदान के बगैर आज की ये शाम ना मुमकिन हो पाती ना मुकम्मल हो पाती। और अब सप्तक साहब आइए, मंत्र सप्तक से इस गाने को शुरू करते हैं। नहीं नहीं, तार से करेंगे। रुक 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 जाना, ओ जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। रुक जाना, ओ जाना, हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना।
रुक जाना ओ जाना हमसे दो बातें करके चली जाना ये मौसम है दीवाना। Que mostra.